दोस्तों, जैसे ही हम सूरज वाटर पार्क का ब्रिज क्रॉस करते हैं, वैसे ही आगे आना है 100 मीटर के डिस्टेंस पे, और उसके बाद हम जैसे ही कॉर्नर पे पहुँचते हैं, यहाँ पे आपको डी मार्ट दिखेगा, और यहाँ से जो डी मार्ट के यहाँ पे आपको रुक के वहाँ से लेफ्ट लेना है। दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे यहाँ तक पहुँचते हो, आगे मैक्स सिटी मैक्सिमम सिटी जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लेफ्ट जा रहा है अंदर, तो आपको ये लेफ्ट लेना है और फिर आगे कंटिन्यू करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है लाइफ ऑफ लविशा। तो आज हम आए हुए चिरमा देवी वाटरफॉल, जो कि है कासर वड़ौली में, थाने में। तो यहाँ पे एक्चुअली ये चिरमा देवी वाटरफॉल का नाम इसलिए चिरमा देवी पड़ा है क्योंकि यहाँ पे चिरमा देवी मंदिर है, जो आप देख सकते हो वहाँ पे देवी का मंदिर है। तो ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये सब पार्किंग स्पॉट है, यहाँ पे आप बाइक और कार पार्क कर सकते हैं। यहीं पे करना है, इसके आगे कार तो नहीं जाएगी, बट यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा पानी का फ्लो है, वो क्रॉस करके आप देख सकते हो बाइक जा रही है आगे। तो बाइक आगे जाके वो बाउंड्री दिख जाएगी आपको, वहाँ वो लास्ट स्टॉप होगा बाइक का, तो वहाँ तक आप लेके जा सकते हो बाइक, या फिर आप यहीं पे रुक के भी पार्क करके आगे चल के जा सकते हो। 2-5 मिनट का रास्ता, ज़्यादा नहीं। दोस्तों, यही है वो मंदिर चिरमा देवी, और यहाँ से जो हमारा वाटरफॉल है वो अप्रोक्स 5 या 10 मिनट लगेगा यहाँ से चल के वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, बट अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 5 मिनट या 10 मिनट पकड़ के चलिए यहाँ से, ये पॉइंट से। तो जैसे ही हम एंट्री कर दिए, यहाँ से हमें लेफ्ट साइड जाना है, जो ये पेड़ है उधर से सीधा। चलो आगे का भी देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ आगे आते हैं, तो ये जैसे ही आपको पेड़ दिख रहा है, उसके लिए यहाँ पे जो कंपाउंड है, तो इधर से गैप है जिसके अंदर हमें जाना है, और यहाँ पे आप बाइक यहाँ तक ला सकते हो, कार आपको वहीं पे पार्क करना है जहाँ पे हमने बताया हुआ है, और बाइक आप यहाँ तक अपने रिस्क पे लेके आ सकते हो। जो बीच में पानी का गैप था वो क्रॉस करके आप बाइक वहाँ तक यहाँ तक ला सकते हो, और यहाँ से फिर चलना है, और वो आगे बताते हम कहाँ कैसे रुकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे 2 रूट दिख रहा है आपको वीडियो में, एक जा रहा है राइट और एक जा रहा है लेफ्ट। राइट वाला जो है हर दोनों भी वहीं पे जाता है स्पॉट पे, लेकिन राइट वाला जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस लेगा आपका, और ज़्यादा टाइम लेगा, और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और ये लेफ्ट वाला जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आप प्रीफर करेंगे कि लेफ्ट से ही जाए, और देखते हैं कैसे अब आगे रूट है और कैसे।
दोस्तों यहाँ पे नीचे उतरने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो संभाल के ही उतरिएगा नीचे। वाटरफॉल जाने के लिए बहुत डीप है, सपोर्ट लेके बैठ बैठ के ही उतरिए। ऐसे सपोर्ट ले लेके आइए क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। तो मेरे जैसे खतरों के खिलाड़ी ऐसा रिस्क ले सकते हैं, तो आगे भी है तो आप देखते जाए क्या है। और ये सच्ची में घूमने लायक बहुत ही अच्छा स्पॉट है। और ऐसे ही आपको सीक्रेटिव वाटरफॉल्स या फिर ऐसे हिडन प्लेसेस और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाना नोटिफिकेशन पाने के।